वेलकम बैक टू माई चैनल विची शुभ की दुनिया। अभी बज रहे हैं 12:45 और मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ में कुछ हो रखा है, इसलिए रोटी वाली को मैंने बुलाया था, तो रोटी वोटी सब बना के दे के गई है और सारा काम हो चुका है। शुभ के पापा ऑफिस चले गए हैं, शिव स्कूल चला गया है, तो रोटी वाली सुबह ही आई थी, रोटी बना के दे के गई है। मैंने सबको टिफ़िन पैक कर दिया है, मम्मी पापा नीचे हैं और मैं अभी एडिट करने के लिए बैठ रही हूँ। और आज शुभ को लेके थोड़ा मार्केट जाना है क्योंकि 2 दिन बाद फ्रेंडशिप डे है, तो वो परेशान कर रहा है, मम्मी फ्रेंडशिप बैंड लेना है, मार्केट चलो, बीच में एक ही दिन बचा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को ले चलते हैं। तो वो आएगा, उसको फिर खिला पिला के पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर शाम को मैं फ्रेंडशिप बैंड लेने जाऊँगी, तो मिलते हैं फिर बाद में। कल आपने देखा उसकी छुट्टी थी, इस वजह से टेस्ट आज पोस्टपोन कर दिया है। तो शुभ की टेस्ट है, शुभ आने के बाद पूछते हैं उसका एग्ज़ाम कैसे गया है। वैसे तो पढ़ाई पूरी उसकी हो चुकी थी, तो मैथ्स का टेस्ट है, थोड़ा सा मैथ्स उसके लिए टफ जाता है हल्का, और देखते हैं फिर उसका एग्ज़ाम कैसे गया है। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने पूरी तरह से उसकी तैयारी करके दिया था। शुभ बाहर कहीं पढ़ने नहीं जाता है ट्यूशन, मैं घर पर ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि शादी के पहले मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाती थी, तो फिर मेरा बच्चा जब आया है तो फिर मैं उसको बाहर क्यों भेजूँ ट्यूशन के लिए। जब तक मेरे से बनता मैं उसको पढ़ाऊँगी, फिर देखते हैं वो आने के बाद उससे मिलाती हूँ, उसका एग्ज़ाम कैसे गया है उससे पूछते हैं। तो गाइज मैं शुभ को लेके आ गई हूँ, अभी बज रहे हैं 4। शुभ देखिए ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गया है, क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो उसने एसी ऑन कर दिया है और ओढ़ के लेट गया है। खाना नहीं खाया है अब तक, बोलता है भूख नहीं लगी है, टिफ़िन भी फिनिश नहीं किया है, पता नहीं क्या हो गया। पेट तो ठीक था इसका, सुबह पेट भर के रोटी खा के गया था, एक रोटी खा के गया था, और उसके बाद फिर अभी आके खाना नहीं खाया। मैंने आपको बताया था कि आज उसका टेस्ट था, तो पूछते हैं उसका एग्ज़ाम कैसा गया। कैसा गया तुम्हारा एग्ज़ाम? अच्छा गया। हाँ। सो गाइस मैंने आपको बोला था कि शाम को शुभ को लेके मैं मार्केट जाऊंगी फ्रेंडशिप बैंड लेने के लिए, तो अभी मैं और शुभ निकल रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं सिचुएशन ठीक रहा तो मैं आपको दिखाऊँगी, और लाने के बाद दिखाऊँगी कि क्या क्या हमने लाया है, और वहाँ जाने के बाद हम लोग शॉपिंग क्या क्या कैसे क्या शॉपिंग की आपको दिखाएंगे। पहुँच तो गए शॉप में, अभी ले लेते हैं फ्रेंडशिप बैंड, देखिए कितनी राखियाँ लटक रही हैं। ये वाले भी है देखो, ये रिंग है, ब्रांड लिखा हुआ है, ये इसका कलर निकल जाएगा। हाँ अच्छा भी है वैसे, उसके बाद वो बड़ा है ना उसके लिए। हमने ले लिया है फ्रेंडशिप बैंड, घर जाने के बाद दिखाएंगे क्या क्या लिया है। तो चलिए अब घर चलते हैं, शुभ को खेलना भी, उसके फ्रेंड्स लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो जी मैं आपको दिखा दे रही हूँ हमने क्या क्या लाया, ये देखिए इतने सारे बैंड हैं। शुभ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कॉलोनी के, हमारे सोसाइटी के, शुभ के स्कूल के, और शुभ के पापा के लिए, मेरे फेवरेट दोस्त, हाँ शुभ के पापा के लिए भी है, उसके दोस्तों के लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, ये शुभ ने अपने लिए लाया है, अपने पापा की तरफ से अपने लिए लाया है, ये हमने शुभ के पापा के लिए लाया है। हम लोग हर साल गाइस एक दूसरे को पहनाते हैं, उसके पापा हमें पहनाते हैं, हम दोनों शुभ के पापा के लिए ले आते हैं शुभ और मैं। तो ये सारे हैं, अब कल की तैयारी जब होगी तब आपको दिखाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल बज रहे हैं 7:30 और मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, इसलिए मैं शायद ही शुभ को पढ़ाऊँगी क्योंकि खाना वाना बनाने जाना है। मेरी भी हालत इज़ ऑल्सो ढीला। ओके तो ठीक तो नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, सफोकेशन टाइप का, सिर दर्द हो रहा है, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी भी बहुत है, उमस है, इस कारण हो सकता है। तो अभी खाना भी बनाना है, तो चलिए फिर मिलते हैं द नेक्स्ट डे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विची शुभ की दुनिया। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, मेरा वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका है और अभी जाऊँगी नीचे, सारा काम निपटाऊँगी। और आज कुछ अच्छा करने वाले, मैंने कल बताया था आपको क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए अगर आपको जानना है कि क्या करने वाले, इसके लिए बने रहना पड़ेगा मेरे दिन भर के व्लॉग में। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। सो गाइस शुभ के पापा चले, शुभ को छोड़ने जा रही हूँ, दिखा रही हूँ शुभ क्या कर रहा है, वो शूज़ पहन रहा है, दिखाती हूँ। तो देखा आपने, शूज़ पहन रहा है शुभ, मैं अभी उसको लेके जाऊँगी क्योंकि आज सैटरडे है, तो उसकी 10:30 बजे की क्लास है, अभी 10 बज रहे हैं। और शुभ फरमाइश किया था कि मम्मी आलू वाले चावल बना देना, तो मैंने आलू वाले चावल बना दिए क्योंकि उसके पापा को भी पसंद है, उसके पापा भी ले गए, उसके लिए भी मैंने बना दिया है।
अब जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए, उसके बाद आके मैं बाकी का काम निपटाऊंगी, फिर मिलते हैं। मैं आ गई शुभ को छोड़ के, गर्मी इतनी तेज़ है मुझे फिर आके हाथ मुँह धोना पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है 3-4 दिन से। और अभी सारे काम मैंने निपटा लेती हूँ क्योंकि शाम को तो ये लोग बच्चे लोग पार्टी करने वाले हैं, फ्रेंडशिप डे पार्टी, और इसके लिए फिर केक बनाना है मुझे, ओरियो केक। तो पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर ओरियो केक बना के रख देती हूँ। एक चीज़ तो आपको बोलना भूल ही गई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। मैं आ गई हूँ शुभ को लेके, शुभ फ्रेश हो रहा है और अभी मैं उसको खाना खिलाऊंगी। सबसे पहले तो ये देखिए बेड पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, आधा अधूरा समेटी हूँ, लेट हो जाएगा करके उसको लेने के लिए चली गई थी और अभी आ गई हूँ, पहले ये समेट लेती हूँ फिर उसको खाना खिलाती हूँ। ना एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मैं बालकनी में गई थी थोड़ी देर के लिए, तो चलिए दिखाती हूँ एक चीज़ को, देख नहीं रहा हूँ मिनट, और देखिए इस तरह से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं पता, फ़ोन देख रहे हैं, इस तरह से बैठे हैं जैसे कोई छत्ते पे मधुमक्खी या फिर किसी मीठे पे चींटी लगी होती है ना, उस तरह से देखिए, एक फ़ोन और इतने सारे लोग, करीब 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं देखिए, मतलब फ़ोन आदमी को क्या कुछ नहीं कराता है। देखिए जी, मैं अब जा रही हूँ केक बनाने के लिए, अभी बज रहे हैं 3:15, केक बनाने जा रही हूँ। वरना प्रोसीजर स्टार्ट करते करते बनाते बनाते पूरा 1 घंटा लग जाएगा, और उसके बाद शुभ को थोड़ी देर सुला दूँगी क्योंकि वो थोड़ा डाउन लग रहा है, उसके बाद फिर वो लोग तो पार्टी में लग जाएंगे, पढ़ाऊँगी रात में क्योंकि शुभ के पापा लेट आने वाले हैं। तैयारी कर रहे हैं केक बनाने की, और यहाँ जानवी मेरी हेल्प कर रही है, हम लोग अभी ये पूरी तैयारी चल रही है। ये यहाँ मैंने इसको भी ओवन बना दिया है प्री हीट के लिए, यहाँ जो है नमक है पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। नमक का कलर आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा क्योंकि ये पहले भी मैंने ट्राई कर चुका है इसीलिए। तो चलिए अब इसे प्लेस कर देते हैं, अब इसे ढक देंगे और 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे, बनने देंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं बनने के बाद। यहाँ मैं बच्चों के लिए टैंग बना रही हूँ, ये मैंगो फ्लेवर का टैंग है जिसको मैं बना रही हूँ, बच्चे अपने बड़े खुश हो जाएंगे, कोई पास्ता ला रहा है, कोई नूडल्स ला रहा है, कोई सैंडविच ला रहा है, तो मैं टैंग बना दे रही हूँ साथ में केक, तो इसे बना के फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा चीनी मैंने डाल दिया है और अब इसे फ्रिज में रख देंगे। बच्चों के साथ कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। ये मैंने थोड़ा नमक मिला दिया है, बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे और ना दौड़ के चले आते हैं आंटी 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 करते हुए। शुभ भी बड़े मज़े से, शुभ ऑर्गेनाइज़र है, मतलब उससे सब कुछ पूछ के करते हैं। तो चलिए अब इसे फ्रिज में रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं, फिर जब पार्टी होगी तब बच्चों को खिला देंगे। इतना सामान भरा हुआ है पता नहीं कहाँ, रखो पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर रखते हैं सब कुछ अपनी जगह पे रख लेते हैं, देन इसको मैनेज करके अंदर फंसा देते हैं। बन गई है जगह, तो चलिए इसको मैंने अंदर रख दिया है, ये ठंडा होते रहेगा और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। मुझे एडिट करना है, सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं अभी एडिट कर लेती हूँ, इसे कर देते हैं बंद और होने देते ठंडा, हाँ, और लाइट दोनों ऑफ कर देते हैं और हम जाते हैं ऊपर अपना एडिट कर लेंगे। बाहर 2-3 दिन बाद आज बादल बना हुआ है, शायद बारिश होगी। कपड़े मेरे बाहर थे जो मैंने अंदर डाल दिए, लाके शुभ गया है अपने फ्रेंड्स के वहाँ, वो लोग कुछ बैनर बनाए, फ्रेंड्स के यहाँ गया है, फ्रेंड्स लोगों के यहाँ, वो लोग मिलके कुछ बैनर बनाएंगे, कुछ छत पे सजाएंगे, मैं तब तक एडिट कर लेती हूँ, तो मिलते हैं फिर बाद में। एडिट करूँगी सोचा पर शुभ फ़ोन लेके चला गया है, वहाँ क्या व्लॉग शूट कर रहा है बताओ। वो मैं उसको फ़ोन करके बुला रही हूँ तो बोल रहा है आ रहा हूँ, वो आएगा उसके बाद मैं एडिट करूँगी, ये बच्चे भी ना सही में। हेलो, हम लोग बैनर बनाने वाले हैं फ्रेंडशिप डे के लिए। कैसे बनाओगे, स्टेप्स बताओ। हम पहले तो ये वाला ड्राइंग बुक आपने तो ऑब्वियसली देखी होगी, तो इसके हम पेपर्स को ना हाफ ऑफ डिवाइड कर दे रहे हैं। तब से काट ही रहे हो? कौन से कलर से करोगे? हाँ तो यहाँ पे ऐसे तो अभी हम कलर्स कर देंगे और बीच में हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिख देंगे, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं अपने वे से। हाँ हम अपने वे से थोड़ा कर रहे हैं कि है ना, हैप्पी के लिए हम अलग सा पेज काटेंगे, वहाँ पे ऐसे बना के लिखेंगे फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप को ये 3D में बनाओगे? नहीं, फ्रेंडशिप को नॉर्मल बनाऊंगी, फ्रेंडशिप को थोड़ा अलग टाइप में बनाऊंगी, मतलब थोड़ा अलग। आपका नाम क्या है? अशिता। पूरा नाम? टमाटर।
टमाटर, अश्विनी का टमाटर, अश्विनी का टामरकार। ये क्या ब्रश के बालों को कंघी क्यों कर रहे हो? पता नहीं, जानी बोली है तरीका। जड़ से उखर रहा है। क्यों 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 क्या नहीं नहीं आप बताओ क्यों? टाइम पास। अब ये ब्रश को दो। ये सारे कलर से आप कलर करोगे? इसमें पिंक नहीं इसलिए। अच्छा तो क्या हो रहा है? ओके देन अब नेक्स्ट डालोगे? वैसे ही बनाऊंगी मैं। तो इसको भी दिखा देते एक बार। अब इसका शेडिंग देख लो क्या वो सही कर रही है। अभी येलो ज्यादा मत डाल, अभी ऑरेंज करो। स्मेल तो आ रही है, चलिए देखते केक बनाए कि नहीं। अब थोड़ा सा टूथपिक डाल के देखते हैं कि केक पका है कि नहीं। कच्चा तो नहीं है, पक गया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर क्रीम से सजाएंगे। ओके रेडी है, मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया सेट करने के लिए। अब शिफॉन देखे गया है, अब इससे मैं एडिट करूँगी और फिर बाद में एडिट करने के बाद फिर आपसे मिल। अच्छा लग रहा है। हाथ दिखा दो सब अपना। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इसको उठाओ, आ जाओ बच्चे लोग, हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाभी आप लोगों को। थैंक यू सेल्फी, थैंक यू थैंक यू सेल्फी डे, थैंक यू सेल्फी डे। बच्चे लोग सभी करो, हड़ी क्या मीटिंग हो रही है बच्चों का? इतनी सारी टॉफी कौन खा गया? हम लोग खा गए। तुम लोग खा गए? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अरे अरे कैसे काट रहे हो, कैसे काट रहे हो? चलो बाय बच्चों, बाय बात। चलो अगले साल फिर करेंगे। हाँ ओके बाय, गुड नाइट। अभी सेवेंथ को फिर नहीं करेंगे, अगले साल ठीक है। दिव्यांशी ने वो बैनर बहुत अच्छे से बनाया, बहुत बढ़िया। इसको संभाल के रखो, हाँ दिव्यांशी ले जाना, उसको संभाल के रख देना, अगले साल फिर इसी को टांगेंगे। बाय टाटा। सो गाइस पार्टी तो बच्चों ने कर लिया, सारे बच्चे चले गए। अभी बज रहा है 9, छुपके पापा अब तक आए नहीं हैं और मैं भी अभी अपना चेंज कर लूँगी और उसके बाद देखती हूँ, किचन में जाती हूँ। बाकी सारा काम रखा हुआ है। दादी बना रही है? हाँ। हाँ, बाकी का और है ना, कल सुबह नाश्ते की तैयारी करनी है। क्या बनाओगे? पता नहीं, देखते हैं। छोले भिगाऊंगी शायद। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज आपने देख ही लिया, मैं वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि पूरा अंधेरा था और बच्चों ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है किया था। और वो छोटे से सीरीज लाइट लगे हुए थे और बोले कैसे लग रहे थे बताओ? मस्त लग रहे थे। क्रिसमस वो मेरे और आदर्श भैया का प्लान था, क्रिसमस ट्री पे इन लोगों ने लगाया था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर बजाना दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल बना सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं जल्दी।